नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रॉय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, बोर्ड लेवल से जेई एडवांस लेवल तक के लिए। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। एनएलएम के क्या बोला गया भाई, यहाँ पे एक अपने को पुली दे रखा है, पुली भी मूव कर रही है और जो दो ब्लॉक्स है वो भी उसके साथ में कनेक्ट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमने क्या बोला गया। हमसे बोला गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास बताओ, हर एक का एक्सेलरेशन बताओ। पुली जो है वो मास लेस है बेटा, और द टेंशन इन द स्प्रिंग बताओ। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर अपन सोचे तो टोटल जो ये सिस्टम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसमें कितना एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है बेटा, 120 ऊपर की तरफ। और नीचे अगर अपन इसमें इस अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी देखें तो यहाँ पर लगेगा 20 न्यूटन और यहाँ कितना लगेगा बेटा, 50 न्यूटन। ठीक, तो अगर पूरे सिस्टम का वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे अपना, कि 120 ऊपर लग रहा है और नेट नीचे जो लग रहा है वो बेटा लग रहा है अपना 70 न्यूटन इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास हो जाएगा बेटा 7 इनटू एक्सेलरेशन हो गया 8। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पे अपना, ये आ जाएगा 50/7 ए की वैल्यू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन इन द स्प्रिंग जो होगी ये 120 न्यूटन लग रहा है बेटा, और पुली पे कोई मास नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, और इसके अलावा तो यहाँ पर ये जो है ये इक्विवेलेंट होगा भाई, पुली जो है आपकी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, 60/60 न्यूटन। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 60/60 न्यूटन। ठीक, अब अगर आगे समझे तो देखें कि इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, ये जो बी और सी है ये क्या है आपका, बी और सी जो है ये है आपके एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 5 kg। ठीक, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट के लिए अगर बात करें बेटा, 2 kg वाले ब्लॉक के लिए बात करें तो ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो 60 न्यूटन लग रहा है, नीचे लग रहा है आपका 20 न्यूटन, और हमें नहीं पता है बी किस तरफ है। तो मान लेते हैं कि ये अभी अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ऊपर की डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। अगर बी की वैल्यू नेगेटिव आई मतलब बी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, और ये 2 kg ब्लॉक है अपना, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे कि 60 - 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 2 kg का ब्लॉक और एक्सेलरेशन बी। तो ये आया अपना यहाँ पे 40 40/2 मतलब 20 m/s² है ना, 40/2 टू 20 m/s² किसका आ गया, ये 2 kg ब्लॉक का। किस डायरेक्शन में प्लस आया मतलब अपवर्ड, ठीक, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं तो आगे क्या आएगा बेटा अपने पास यहाँ पे कि सेकंड ब्लॉक का बनाते हैं 5 kg वाले का, तो 5 kg वाला ब्लॉक जो है वो उस पर भी फोर्स लग रहा है ऊपर 60 और नीचे लग रहा है 50, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है सी। ठीक, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए अगर अपन बात करें, सपोज मान लो ये ऊपर लग रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60 - 50 = 5 × c है ना, तो ये आ गया बेटा c = 2 m/s². ठीक, ये भी जो है वो क्या आ रहा है अपना, प्लस आ रहा है मतलब इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ठीक, इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर आपको बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक, कंस्ट्रेंट मोशन के बहुत ही जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी बहुत सिंपल तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि ये हमने सॉल्व किया है ना। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर बला तो ओवर। थैंक यू।